इट्स टाइम टू लर्न फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। इन प्रीवियस चैप्टर्स, इन प्रीवियस लेक्चर्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल न्यूमेरिकल से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पास है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 कूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया आपको कि एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, कहाँ है पॉइंट चार्ज, कितना, 10 कूलम का। कहाँ रखेगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो थोड़ा सोचिए, अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा उस पर, फोर्स। अगर फोर्स लगता है इसका मतलब वहाँ क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो अगर उस पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, तो बताना है कि आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्या पता करना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू। अब इस क्वेश्चन में जो लिखना है कि फॉर्मूला में एफ कितना दिया आपके पास, 50 न्यूटन। क्या दिया हुआ है, 50 न्यूटन, एंड चार्ज क्या दिया आपके पास, 10 कूलम। तो इसका मतलब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कितना, 50/10, कितना, 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी सवाल है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और टफ क्वेश्चन की हो। ठीक है, स्टार्ट किए हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन से, जहाँ से हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया गया है, 4q एंड 4q चार्ज। ठीक है, क्या रखा गया है, ए डिस्टेंस पर 4q चार्ज को रखा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताइए ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ओ पॉइंट पर कहाँ पे है, यहाँ पे है ओ पॉइंट। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले से बताया गया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर या वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और बताया गया था आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या बताया गया था, डायरेक्शन। तो बताया गया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है। ठीक है, और कहाँ जाता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव से हमेशा दूर और नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये 4q चार्ज पॉजिटिव है तो इस ओ पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण कहाँ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज है, तो क्या ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया, E1 मिला। अब क्या बताइए हमसे, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या सिर्फ यही चार्ज प्रोड्यूस करेगा कि ये भी कर सकता है, तो बताया है क्या कि चार्ज हमेशा किसको फॉलो करता है, सुपर पोजिशन को। मतलब क्या हुआ कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, बताइएगा इसका चार्ज भी क्या है, प्लस है। बताइएगा क्या इसका भी अलोंग जाएंगे तो क्या डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आएगा, ये आएगा। क्या इसको हम E2 लिख दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका E1 और ये हुआ E2। ठीक है, अब हमें फाइन क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो अगर हम E का वैल्यू फाइन करें तो यहाँ से हमें मिलेगा E1 प्लस E2। क्या मिलेगा हमें, E1 प्लस E2। पर गौर कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें सिंपल रूल यूज करना है, या वेक्टर रूल, तो हमें वेक्टर रूल यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो एडिशन होगा वो होगा वेक्टर एडिशन। क्या होगा, वेक्टर एडिशन। अब याद होगा आप लोग इलेवेंथ में पढ़े होंगे, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है, तो फॉर्मूला क्या आपके पास दो वेक्टर को ऐड करने का, तो अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी दो वेक्टर अगर थीटा डिग्री पर रखा हुआ हो तो उसका रिजल्ट निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा से निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर बताया गया था आप लोग कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, यानी दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और एडिशन करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास 2a cos थीटा अपॉन 2। मतलब दोनों फार्मूला क्या है हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एडिशन करके, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर जनरल फार्मूला मतलब कि अगर a और b का वैल्यू यानी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग हो तो हम लोग यूज करेंगे फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर स्पेशल केस में a और b दोनों क्या हो जाए सेम, तो हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे, फॉर्मूला था r = 2a cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दोनों सेम है या अलग अलग है। अगर सेम होंगे तो सिंपली हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग इजी कैलकुलेशन करते हुए फॉर्मूला यूज करेंगे 2a cos थीटा अपॉन 2, अगर कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या हो, सेम हो, ठीक है। चलिए निकालते हैं, फाइंड करते हैं हम लोग। अगर e1 की बात करें हम, कहां e1 की बात करें तो गौर कीजिएगा, e1 क्या इस चार्ज के कारण हो रहा है? अब देखिए 4q चार्ज जो है ये क्या हम बताया गया है, क्या है ये 4q, एक पॉइंट चार्ज है। मतलब ये पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़े थे। अब यहाँ पर F का वैल्यू पुट करते हुए पॉइंट चार्ज के लिए हम निकाले थे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास प्रोड्यूसिंग चार्ज दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इवन बात करें हम यहाँ से, तो ये 4q चार्ज है, कितनी डिस्टेंस पर यहाँ से है, a डिस्टेंस पर है, कितना है a डिस्टेंस पर, तो ध्यान दीजिएगा इवन इज इक्वल टू फॉर्मूला के एंड क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू कितना हमारे पास के इंटू 4q एंड डिस्टेंस कितना हमारे पास a स्क्वायर, यानी इवन का फॉर्मूला कितना हमारे पास e इज इक्वल टू के इंटू 4q अपॉन a स्क्वायर, यानी 4k³ अपॉन a स्क्वायर। वास्तव में अगर ये ध्यान देगा, अगर हम e2 फाइंड करने जाएं तो गौर कीजिएगा e2 का चार्ज भी कितना है 4q एंड डिस्टेंस कितना है a, तो अगर यहाँ भी फॉर्मूला यूज करें तो 4q अपॉन a स्क्वायर मतलब 4k³ अपॉन a स्क्वायर। अब बताइएगा ध्यान से, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्या मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो बताइएगा ध्यान से, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें वेक्टर रूल का यूज करेंगे, और वेक्टर रूल का यूज करेंगे तो दो फार्मूला, तो हम लोग सिंपली जाते हुए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है हम लोग इसको यूज करेंगे r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 2a क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा इसमें कितना है 4k³ अपॉन a स्क्वायर एंड cos। अब गौर कीजिए क्या चाहिए हमें वेक्टर के बीच का थीटा, क्या चाहिए हमें थीटा। अब गौर कीजिए थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि ये साइड a बताइए तीनों साइड अगर a है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो हर एक डिग्री कितनी है, ईच एंगल 60 डिग्री, क्या ये भी 60 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा अगर ये 60 डिग्री है तो जैसे इसके अपोजिट वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है 60, तो क्या 60/2 लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, ध्यान दीजिएगा 2 4k³ अपॉन a स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए √3/2, क्या होता है √3/2, यानी यहाँ से हमारे पास सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया मेरे पास 4√3k³/a² इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा
कि अगर हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या निकालना हो हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सभी को शो कीजिए और उसका क्या कीजिए, आप चेक कीजिए कि कितना एंगल किस वेक्टर से यानी किस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बन रहा है, और उसी एंगल को ध्यान में रखते हुए हम लोग वेक्टर फॉर्मूला यूज करते हुए उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम हमें फिर से क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, ओ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए अरेंजमेंट को, यहाँ पर रखा गया आपके पास एक स्क्वायर शेप दिया गया है और सभी वर्टेक्स पर क्या रखा गया है, चार्ज। सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू 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 और क्यू, मतलब सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इस चार्ज के कारण ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या बताया है, प्रोसेस क्या है कि आप ईच चार्ज के कारण उस पॉइंट पर क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप गौर कीजिए, देखिए कि आखिर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि उस चार्ज पर यानी उस पॉइंट पर कितने भी चार्ज, जितने भी चार्ज रखे हुए हों, सभी के कारण उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सभी चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको वेक्टर रूल्स का फॉलो करते हुए उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्यू चार्ज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव से डायरेक्शन कहाँ जाता है, तो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ये, क्या ये होगा। अगर हम बात करें इस चार्ज के कारण, तो ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये, बात समझ में आ रही है। इसको मान लेते हैं वन, इसको मानते हैं टू। ठीक है, ये हमारा पॉइंट वन मान रहा है इसको, इसको हम लोग पॉइंट टू मान रहे हैं, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब समझिएगा, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहां से यहां भी क्या होगा, रिपल्सन, मतलब बोले तो अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या ये ई थ्री मान रहे इसको, इसके गौर करते हो क्या ये E4 आएगा, आएगा। अब गौर कीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, E1 का वैल्यू क्या निकालना है हमें, E1 का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर क्या है, तो चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्या है, चार्ज और पॉइंट का डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज क्यू और ये पॉइंट, क्या बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो गौर करिए क्या ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, रूट टू ए, क्या होता है, रूट टू ए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट टू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट, यानी वन से टू के बीच का डिस्टेंस रूट टू ए, क्या हो जाएगा, रूट टू ए। तो बताइए यहाँ से यहाँ किससे कितना हो जाएगा, तो जस्ट हाफ, कितना, हाफ, यानी रूट टू ए अपॉन टू, कितना, रूट टू ए अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए अपॉन रूट टू, क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू। चलिए, तो E1 निकालना हमें, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर, बताइए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना गया मेरे पास, A अपॉन रूट टू, क्या आ गया, A अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, यानी K Q अपॉन A स्क्वायर अपॉन टू, और टू कहाँ चल जाएगा, ऊपर, इधर चल जाएगा ये ऊपर, यानी टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर E2 को फाइंड करना चाहे, ध्यान दीजिएगा, क्या E2 का डिस्टेंस भी सेम रूट टू ए ही होगा, a अपॉन रूट टू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी अगर डिस्टेंस सेम है तो गौर कीजिएगा, चार्ज भी सेम है, तो E2 का वैल्यू भी क्या, टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आना चाहिए। इसी तरह से E3 का वैल्यू भी अगर फाइंड करें हम, तो ये भी डिस्टेंस कितना है, सेम ए अपॉन रूट टू, यानी यहाँ भी टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा। अगर हम E4 फाइंड करने जाएं, तो E4 का वैल्यू भी टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा, आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको E1, E2, E3, E4 का सभी का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है आपको, सबका मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, और गौर कीजिए क्या E1 और E2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या E1 और E2 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री, और दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगा, जीरो।
यहाँ भी देखिए E3 और E4 भी मैंने शूट किया है सेम, मतलब कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपके पास, जीरो आ गया। यानी E इज इक्वल टू जो हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का वेक्टर सम अगर हम फाइंड करें तो क्या आया हमारे पास, जीरो आया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमारा एक निष्कर्ष निकलता है क्या कि किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, किसमें हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तो कहता क्या है कि उसके सिमेट्री पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन गौर कीजिए, ये क्यू चार्ज है और ये भी क्या है, क्यू चार्ज है, दो क्यू चार्ज है। क्या ये दोनों सिमेट्रिकल चार्ज हैं? तो है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ध्यान दीजिए, इसका सेंटर कौन होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो जस्ट इसका मिड पॉइंट होगा। तो बताइएगा क्या इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। क्यों, गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस आर अपॉन टू, यहाँ भी डिस्टेंस कितना, आर अपॉन टू, और ये चार्ज दोनों का सेम है, तो ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, होगा। इसके लिए भी कितना हो जाएगा, के क्यू फोर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का कैंसिल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन ये, तो इस तरह से नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब सेंटर अब सिमेट्री पर अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। गौर कीजिएगा, मान लीजिए चार्ज जो है वो सिक्स चार्ज का क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट रखा हुआ, क्या है, सिक्स चार्ज का क्या हमारे पास, अरेंजमेंट है। तो गौर कीजिएगा, इस अरेंजमेंट के अगर सेंटर पे आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गौर कीजिएगा, सभी चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, नेचर भी क्या है, सेम। तो अगर गौर किया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये जाएगा, इसका क्या डायरेक्शन ये जाएगा, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री पर कितना होता है, जीरो होता है। यानी बिना कैलकुलेट किए हुए आप बता सकते हैं कि वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, अगर सिमेट्रिकल हो तो। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, अभी तो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि किसी भी सेंटर ऑफ, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पर चार्ज क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। गौर कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर हम रीअरेंज करके यहाँ पर सिर्फ क्या दे दिए, माइनस क्यू चार्ज, क्या दे दिए, माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस क्यू चार्ज दिए तो ध्यान दीजिएगा क्या ये अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा, नहीं। देखिए, सभी के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस हो गया, सिमेट्रिकल नहीं रहा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होगा, तो नहीं होगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि इस अरेंजमेंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर इस बात करें हम इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो मान लीजिए हमारा ये पॉइंट ओ है। देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो जाएगा, क्यों, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, चार्ज क्या है, सेम, डिस्टेंस भी क्या है, सेम, कितना, ए अपॉन रूट टू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बचा कौन, ये चार्ज, कौन कीजिए, माइनस चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाए, किसकी ओर जाएगा, तो बताया है हमेशा कि पॉजिटिव से हमेशा दूर जाता है, नेगेटिव की ओर आता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बताइएगा, इस क्यू चार्ज पॉजिटिव अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस चार्ज से अवे होगा, तो क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, क्या ई और ई क्या सेम डायरेक्शन में आ गया, आ गया। अगर सेम डायरेक्शन में आ गया तो बताइए क्या इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, और अगर एक डायरेक्शन में आ गया है तो वे जीरो नहीं होगा, बल्कि एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, और अगर कितना डिग्री पर है, जीरो डिग्री पर है। अगर जीरो डिग्री पर है तो E का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
E1 प्लस E2, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये A अपॉन रूट टू डिस्टेंस था, तो सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन टू, ए टू चल जाएगा ऊपर। सिमिलरली E2 भी निकालें तो कितना जाएगा, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन, क्यों, दोनों का एंगल क्या है सेम, 0 डिग्री पर है, दोनों सेमी डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया ऐड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये पॉजिटिव था तो ये भी क्या हो गया था अवे, यानी दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट क्या हो गया था जीरो, पर यहाँ पे चार्ज क्या हो गया माइनस, यानी इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपके पास, 4KQ अपॉन ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे आपको, अब डिफरेंट अरेंजमेंट दिया हुआ रहेगा, उस पर क्या निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करना कुछ नहीं है, जितने भी चार्ज दिए हुए हो सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे सेपरेटली फाइंड करेंगे, और उसको वेक्टर रूल्स का यूज़ करते हुए हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। क्या हमारे पास है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक नेगेटिव प्लेट हम लोग बना देते हैं, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इन दोनों के रीजन के बीच में सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। ठीक है, कहता क्या है कि इसी में क्या किए, एक चार्ज को रख दिए, वो कौन सा था, प्रोटॉन चार्ज था, क्या था चार्ज प्रोटॉन, क्या इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, होगा। तो कहता क्या है, इन बिटवीन प्लेट्स देन फाइंड द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट चार्ज रिमेंस इन रेस्ट कंडीशन। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो कि ये चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में रहे, क्या रहे, रेस्ट कंडीशन में रहे। पहले सोचिए यहाँ पर रेस्ट में है या मोशन में है, पहले ये सोचिए यहाँ पर, ये क्यू चार्ज है, क्या है चार्ज, ये क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये कौन सा है पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि कैसा है प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सोच कर देखिए कि इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ मूव करना चाहिए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, है, तो क्या ये मूव करेगा, करेगा, क्योंकि इस पे क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मतलब ये प्लस को माइनस अटैक करेगा, क्या ये ऊपर जाएगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, यानी ये चार्ज का मोशन अब कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर, यानी इसको ऊपर कौन ले जा रहा है आपको, F इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा ले जा रहा है F इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आप मोशन पढ़े होंगे ना, उसमें बताया गया होगा कि कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में कब होता है, जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। तो गौर कीजिएगा, अगर इसको रेस्ट कंडीशन में आना है तो इस ऊपर वाला फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, तो गौर कीजिए यहाँ पे क्या है m फोर मास, और जहाँ मास वहाँ क्या ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन कहाँ लगता है हमेशा नीचे की, और तो बताइए क्या नीचे की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना mg, यानी कि अगर फॉर द कंडीशन ऑफ रेस्ट, फॉर द कंडीशन ऑफ रेस्ट, यानी अगर इसको रेस्ट में रहना है तो Fe शुड बी इक्वल टू mg, यानी फोर्स जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ये फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, देन F इज इक्वल टू Q इंटू E। बात समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग Q E इज इक्वल टू
mg लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए E इज इक्वल टू क्या है? mg अपॉन क्यू लिख सकते हैं, यानी अगर आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला क्या आपके पास? mg अपॉन क्यू। इसको याद नहीं करना है, इसको क्या है? समझना है, ध्यान देना हमेशा कि अगर ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो उस नीचे कौन बैलेंस करेगा? हमेशा हमेशा mg करेगा, और अगर mg बैलेंस करेगा तो हम लोग इक्वेशन बना देंगे F इज इक्वल टू mg, यानी F इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू mg। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मास का वैल्यू पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए? मास क्या है आपके पास? प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻²⁷ kg, एंड जी का वैल्यू 10। चार्ज क्या आपके पास? प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कोई दिक्कत? ये कैंसल्ड। बताइएगा यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, बताइएगा। तो इस तरह से ध्यान देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 10⁻¹⁷ N/C। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं? यानी कि हम लोग कैसे फाइंड किए? F इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से क्यू ई फाइंड किए, और क्यू ई से क्या किए हम लोग? फाइंड कर लिए कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम लोग सोल्व किए, कितना आया? 10⁻¹⁷ N/C इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है ताकि ये चार्ज क्या आ जाए? रेस्ट में रहे। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा क्या है आपके पास। एक प्लेट दिया हुआ है, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इन दोनों बीच में क्या है? एक गैप है, ठीक है। इस गैप के बीच में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी आपके पास यहाँ मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्शन क्या होगा? हमेशा प्लस से माइनस की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्शन होगा। एक चार्ज पार्टिकल जो वी एक्स वेलोसिटी से इस फील्ड की ओर अप्रोच कर रहा था, क्या कर रहा था? अप्रोच कर रहा था कितना क्या स्पीड से? वी एक्स के स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज जैसे ही इस एरिया में आएगा क्या इस पर फोर्स लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या आ रहा है? चार्ज। अगर चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नॉर्मल बात है उसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, फोर्स लगेगा। देख लीजिए ये क्यू चार्ज किस वेलोसिटी से जा रहा है? Vx से। ध्यान देखिए जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंटर करेगा तो ध्यान दीजिएगा ये Vx वेलोसिटी कहाँ है? इस डायरेक्शन में। ध्यान देगा अगर इसके पहले बात करें इस कंडीशन में तो Vx आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 m/s। क्या दिया हुआ है? 5 m/s। अब गौर कीजिए, आपको बताइएगा कि इस vy डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ये इंटर करेगा तो। ध्यान देगा इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इसके पास नहीं है, यानी वेलोसिटी जीरो। क्या है? जीरो। गौर कीजिए जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो यहाँ पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? माइनस, और प्लस इसको रिपेल करेगा, यानी क्या इस पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर? लगेगा, यानी कि इस चार्ज को एक फोर्स एग्जर्ट होगा, वो कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर फोर्स लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। और अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनिशियल में जीरो था क्या वो जीरो रहेगा? नहीं, यानी वेलोसिटी कुछ ना कुछ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखिए क्या वी एक्स वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। फोर्स अगर लग रहा है तो सिर्फ नॉनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, यानी फोर्स यानी वेलोसिटी 5 m/s से है तो ये 5 m/s से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जीरो थी वो वेलोसिटी क्या करेगा? धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यानी अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर एक डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट एंड दूसरे एक्सेस वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन, तो बताइए ध्यान से कि इस पॉइंट को हम लेंथ में कहाँ पढ़े थे कि एक एक्सिस पर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दूसरे एक्सिस पर विथ एक्सेलरेशन। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते थे हम लोग?
प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ये चार्ज जो है वो इस ढंग से प्रोजेक्टाइल करते हुए कहाँ निकल जाएगा, बाहर, यानी ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल का हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखिएगा कि चार्ज स्ट्रेट नहीं चल के बल्कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ से होते हुए बाहर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि कितना टाइम इसको लगा क्रॉस होने में, और दूसरा क्वेश्चन कि बताइए कि यहाँ से यहाँ ये चार्ज कितना डिफ्लेक्ट करेगा, ये आपको फाइंड करना है। बात में यार ये क्वेश्चन क्या करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, और इस क्रॉस करने के दौरान ये कितना मीटर डिफ्लेक्ट करेगा अपने पाथ से। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नॉर्मल हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ये कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा इसको, एल, क्या यहाँ पर एल अपॉन टी लिख सकते हैं, ध्यान देगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एल अपॉन वी, क्या हो जाएगा एल अपॉन वी, एल कितना है क्वेश्चन देखिए 10 मीटर, वेलोसिटी कितनी का स्पीड से जा रही है, ये 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है हमारे पास 2 सेकेंड। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड एट द एज, यानी एज तक आते आते इस पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर डिफ्लेक्शन निकालना है मतलब ये हमें निकालना है, गौर कीजिएगा, यानी हमें y, तो गौर कीजिएगा कि ये जो y डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कौन से वेलोसिटी के कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है ये y डायरेक्शन के वेलोसिटी के कारण, इसका मतलब ये वेलोसिटी ही है जो ये इसको डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई, डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिए हम लोग y, मान लिए y, अगर डिस्प्लेसमेंट y है वेलोसिटी v है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताइएगा ध्यान से, अगर विथ वेलोसिटी हो और विथ एक्सेलरेशन हो और ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म फोर्स, और यूनिफॉर्म फोर्स तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करता है तो आपको मोशन के चैप्टर पढ़ाया गया होगा कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं तो गौर कीजिए इस पाथ के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वी वाई क्या है, जीरो, क्या है जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ध्यान दीजिएगा टाइम कितना लगा आपको यहाँ से यहाँ आने में, तो जो टाइम इसको क्रॉस करने में लगा होगा उसी टाइम में यहाँ पहुँच गया, यानी टाइम कितना आपके पास है 2 सेकेंड, टाइम क्या हो गया आपके पास 2 सेकेंड, तो ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बताइएगा एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सेम चीज़ याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू, देन ई इज इक्वल, देन एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एंड एफ इज इक्वल टू क्या मास इनटू एक्सेलरेशन ले सकते हैं एम ए, देन ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, यानी एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपके पास क्यू ई अपॉन एम, यानी एक्सेलरेशन हो गया आपके पास क्यू ई अपॉन एम, बात समझ में आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा आप, आपके पास निकालना क्या, आपको वाई निकालना है, ध्यान दीजिए वाई निकालना है, एक्सेलरेशन मौजूद है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लोग यूज करें बताइए ध्यान से, तो आपको पता होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, निकालना बताइए यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो एंड हाफ, बताइए एक्सेलरेशन कितना आपके पास क्यू ई अपॉन एम, क्या है क्यू ई अपॉन एम और इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना मेरे पास आया था 2 सेकेंड, क्या आया था 2 सेकेंड, यानी 2 × 4, यानी हाफ, बताइए ध्यान से क्यू का वैल्यू क्या दिया आपके पास -6 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है आपके पास 6 × 10⁻³ दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है मास कितना आपके पास 12 माइक्रोग्राम है, मतलब -6 हो जाएगा × 4, क्या करेंगे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, और जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर कितना आया,
ठीक है। बाकी इसके इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को कंसल्ट कीजिए, और इस वीडियो में जैसे सोल्यूशन किया गया है उसको समझिए। कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।